सब तो पहला देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नू, देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी नू, भारतीय जनता पार्टी के प्रधान श्री जे पी नड्डा जी नू, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ा वर्करां नू, भारत के नागरिकां नू अज जिहड़ा रिजल्ट आया है, जिन्हों विरोधी सैमीफाइनल आते जिधर चुनाव अनाउंस हुई है कि यह सैमीफाइनल है, विरोधियों ने बड़ा कट्ठे हो रौला पाया कि यह सैमीफाइनल है, इतने असी मोदी नू ढा लेना है। अज जिहड़े लोग देश नू जात पात के नाते वंडन की कोशिश कर रहे थे, जिहड़े लोग भारत नू जोड़न दीआं गल्लां कर रहे थे, अज देश ने उन्हां नू जवाब दिता है कि भारत एक है, भारत का लीडर एक है। नरेंद्र मोदी कल्ले भारत का नहीं, अज दुनिया का लीडर है। अज देश ने जिहड़ा फतवा दिता है, ये विरोधियों नू करारा जवाब दिता है कि देश नू वंडन की कोशिश ना करो जात पात के नाते। नरेंद्र मोदी देश के वह लीडर है जिहड़े सारे धर्मां का सत्कार करते, सब नू नाल लेके चलते है, ते 9 सालों के विच देश की तरक्की देखो किथे हुई। अज 32 साल हो गए गुजरात दे विच सरकार नू, अज 20 साल हो गए मध्य प्रदेश दे विच सरकार बनी नू। दुनिया दे विच नहीं किते होया भी इन्ने इन्ने साल हो जाण सरकारां बनियां नू। मैं मीडिया दे जरिए दसना चाहुंदा देशवासियां नू कि सरकारां भी बनियां, ते 2/3 बहुमत ते सरकारां बनियां, जिथे कांग्रेस दावा करदी सी कि असीं छत्तीसगढ़ दे विच, असीं मध्य प्रदेश दे विच 2/3 बहुमत ते सरकार बनावांगे। अज भारतीय जनता पार्टी ते देश के वासियों ने विश्वास दिखाया, तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप से विश्वास दिखाया, तो पूर्ण बहुमत नाल 2/3 बहुमत के नाल उत्थे सरकार बनाई। मैं अज तो 2-3 दिन पहला लुधियाने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिदन एग्जिट पोल आए पत्रकार वीर पुछते भी तुसी एग्जिट पोल आ रहे हैं, थोड़ा की कहना हो एग्जिट पोल के उत्ते कि भगवंत मान जी केजरीवाल जी बड़े दावे कर रहे हैं। मैं उस दिन ही अज तो 2-3 दिन पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा क्लीयरली कहा सी सब दे सामने, अपने पंजाब वासियां दे सामने, कि ये पंजाब दा करोड़ा रुपया इत्थे दी आम आदमी सरकार ने खराब करता। करोड़ा रुपए दे इश्तिहार बाहरले सूबियां दे विच जाके दिते, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्थों पंजाब दा गया, पंजाब दी पुलिस उत्थे जा जाके कंपेनिंगा करदी रही, उत्थे ड्यूटियां ते रही, पंजाब दे खून पसीने दी कमाई दा पैसा उन्हां दे जहाजां ते इन्हां दे हैलीकॉप्टरां ते खर्चा आया, पंजाब दे खून पसीने की कमाई का पैसा इन्हां दे उत्थे जिहड़े कैंपेन डिजाइन करते सी उन्हां ते लग्गिया। जे अज ये करोड़ा रुपया बचा लेंदे ते अज बच्चियां दी दवाई लई, पढ़ाई लई, इलाज लई पैसा लगता, अज ऐसी हार होई है। एक तुसी देखदे हो ना मेरे वीर कि एक वो आंदा हुंदा कि पार्टियां दा वोट शेयर की है, उत्थे नोटा तां हैगा पर आप दा भी नाम निशान है नहीं, भी कुछ फीसदी वोट भी नहीं पे, जमानत जब्त करा के घर वापस मुड़े आए। मैं भगवंत मान जी नू भी नसीहत देनी चाहना, बेनती करनी चाहना, मान साहब हर अत ते अंत दे विच तुसी आंदे हुंदे सी, अत ते अंत दे विच एक टिप्पी दा फर्क है, अज अंतवनी नू आपां तुरे, पंजाब दा पैसा बर्बाद करन नू तुरे, सिखो कुछ मोदी साहब तो। अज देश के लोग थोड़िया झूठिया गरंटियां से विश्वास नहीं करते, उन्होंने पता है किस तरीके पंजाबियों ठगिया, किस तरीके पंजाबियों मूर्ख बनाया, किस तरीके झूठे इश्तिहार दें, किस तरीके बच्चों के भविख ना खिलवा। अज मोदी साहब ने नहीं देखा कि किस सूबे दे विच उन्हां दी सरकार है, किस च नहीं है, उन्होंने ये देखा कि यह देश मेरा। वो प्रधानमंत्री है जिन्हें 9 साल च कदे छुट्टी नहीं ली, एक छुट्टी आप भी सारे छुट्टी लेंदे होवे किसी ना किसी दिन, पर देश के प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड है 9 साल च छुट्टी नहीं ली। सरकार चाहे पंजाब च किसी दी सी, मैं अपने पंजाब की गल करा तो पिछले 9 साल दे विच जो कुछ मोदी साहब ने किया 67 साल दे विच नहीं सी होया, सिर्फ 17 किलोमीटर नैशनल हाईवे सी पंजाब दे विच। ते जिस दिन देश दे विच अपनी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लोगों की सरकार आई, पिछले 9 साल दे विच 10,500 किलोमीटर नैशनल हाईवे, 46,000 करोड़ रुपया ला के अज हिंदुस्तान दे विच सब तो वध किते नैशनल हाईवे तेजी नाल बने अपने पंजाब सूबे च बने। जे पिंडां दी सड़कां दी गल करिए
अज 80,000 किलोमीटर सड़कां इन्हां 9 सालां दे विच 36,000 करोड़ रुपया ला के बणी। जे पिंडां दे विच जिन्ना विकास होया जी उह ग्रांट आई है, अज 90% ग्रांट केंद्र दी सरकार ने दित्ती। अज जे अपने गरीब भैण भरावां लई केंद्र दी सरकार दा पैसा आया पिया कि 15,000 मेरे जिन्हां कोले रहण नूं छत है नहीं, अज देश च घर बन रहे आ। पंजाब दे कोले सरकार कोले देश दी सरकार ने पैसा दित्ता है, पर उह उन्हां गरीबां लई घर नहीं बना रहे, वह पैसा होर थाई वरत रहे। अज देश की सरकार ने जो हैल्थ सिस्टम की गल आई, मोहाली दे विच कैंसर हस्पताल दे के, बठिंडे च एम्स दे के, संगरूर च PGI दे के, फिरोजपुर च PGI सेंटर दे के देश के प्रधानमंत्री ने पंजाब नूं दिता। अज दे किसानां दे खातियां च 6,000 पा रहे, वह नहीं कहिंदे कि वोट किहनूं पाई, देश के प्रधानमंत्री सीधे खातियां च पैसे पा रहे। सो अज थोड़े जरिए मैं देशवासियों नूं, पंजाब वासियों नूं कोट अन कोट वधाई दिंदा। उन्होंने मोदी जी की लीडरशिप से विश्वास दोबारा दिखाया। लोग सैमीफाइनल दी जिहड़े गल्लां करदे सी, अज कोई चैनल खोलो आंदे कि 400 तो वध सीटां लैके 2024 दे विच देश दे विच मोदी साहब की सरकार आ रही है। कांग्रेसी मनन लग पे चैनलों के उत्ते, इन्हां दे मीडिया पैनलिस्ट मनन लग पे कि नहीं कोई तोड़ मोदी साहब। सो मैं थोड़े जरिए बेनती जरूर करदा पंजाब वासियों नूं कि हुण मौका है कि आंदे हुंदे आ ना भी पत्थर उहदे कंध ते लिखिया गया कि मोदी साहब की सरकार आ रही है। सो आपां इक इकट्ठे होईए, एक मौका भारतीय जनता पार्टी नूं दिओ, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप नूं दिओ। पंजाब दे विच आने वाली चाहे कारपोरेशन इलैक्शन होवे, चाहे पार्लीमेंट इलैक्शन होवे, इत्थों भारतीय जनता पार्टी के कैंडीडेटा नूं जिता के भेजो ताकि वह देश की सरकार का हिस्सा बन सकन। तीजी बार देश दे विच मोदी साहब की सरकार बन रही है, उसका हिस्सा बन सकन। भारतीय जनता पार्टी का पिछली वारी जिहड़े सैमीफाइनल होए सी, राजस्थान च भी कांग्रेस की सरकार सी, मध्य प्रदेश च भी सी, लगातार मोदी साहब की सरकार रहूगी क्योंकि जो काम देश लई इन्हां कीती 67 सालां च नहीं। अक्सर कहिंदा वी पंजाब दे विच अज जे कोई सब तो वध ज्वाइनिंगां हो रहियां है किसी भी पद्धर के उत्ते, जे पंजाब दे विच कोई इलैक्शन आउंदे आ, कोई वोट शेयर किसी पार्टी का वध रहे, वह भारतीय जनता पार्टी का। लोगों का विश्वास दिनों दिन भारतीय जनता पार्टी के उत्ते वध रहा। असी 23 सीटा ते इलैक्शन लड़ते सी, अज 117 सीटा ते लड़ना। साडी टीम भी उन्नी सी, साडी पार्टी दे लीडरशिप भी उन्नी सी, अज वड्डे हो रहे। 13,000 पिंडां दे विच असी पिंड जा रहे हैं, जिस पिंड जा रहे हैं सानू अगों दुगना प्यार मिलता। अगली वारी लोग आप लाउंदे, लोग हुण पछाण गए है अपने केड़े बगाने केड़े, लोग पछाण गए है कि जिहड़े मुख मंत्री पंजाब नूं पहला हुण आईना देखना चाहीदा कि हिमाचल च गए जमानतां जब्त करा के आए, गुजरात च गए जमानतां जब्त करा के आए, छत्तीसगढ़ च गए जमानतां जब्त करा के आए, मध्य प्रदेश राजस्थान च जमानतां जब्त करा के आए। उन्हां नूं कोई हंकार छड्ड दे, जे पंजाब दे लोक है जिहड़े अर्श तों फर्श ते फर्श तों अर्श ते बिठाउणा जाणदे है, हुण हंकार छड्ड के लोकां दे विच उतरन, नहीं उन्हां नूं वी अर्श तों फर्श ते ला देणगे। इक सैमीफाइनल दी गल इंडिया दी वी होई सीगी जी, की लगदा इंडिया तों अज तों बाद तुहानूं देखण नूं मैनूं मिलूगा जी? इंडिया गठजोड़ दीआं जिहड़ीआं गल्लां हुंदीआं सी, इह उसे गठजोड़ दे खिलाफ, उसे जिहड़ी इहनां राजनीति शुरू कीती सी, हिंदुस्तान नूं जात पात ते वंडण दी कोशिश कीती सी, भटकाउण दी कोशिश कीती सी। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਆਇਨ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਸੰਘ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੂਏ ਆ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਬੈਠੇ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ 'ਚ ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੀ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ
ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ BJP ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਸਾਈਡ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਸੀ 3-4 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ BSF 50 meters ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਡਰੋਨਸ ਆ ਰਹੇ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ 50 kilometers ਤੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਜਸਥਾਨ ਡਰੱਗਸ ਇੰਨੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 50% ਸੀਟਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ MP ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ MP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 24 ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗੋ ਪਟਿਆਲਾ ਸਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੱਲ ਔਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ
6-7 महीने रह गए उस तो भी घट जिसमें 24 तैयारी है थोड़ी फिर 24 दी तैयारी थोड़ा पता लग जू कि है।